लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। द्विज, फौरन वापस लौटो, वहां पर कोई है। द्विज, उस तरफ भागो। न इतिहास में पहले कभी ऐसी घटना हुई थी, न भविष्य में कभी ऐसी घटना होगी जब एक ही आत्मा के दो अलग अलग जन्म, दो अलग अलग शरीर के साथ आमने सामने खड़े हों। हम यहीं ठीक है। अगर ये मुझे छू लेती तो अनर्थ हो जाता, लेकिन मुझे छूना तो पड़ेगा ही। इन्हें आठवां चक्र भी तो लेना है इनसे, मगर इतनी मुश्किल से ये मिली है मुझे, इन्हें अपने ही हाथों कैसे नष्ट कर सकता हूं मैं। और अब देखिए, क्या हुआ, कुछ बोलते क्यों नहीं तुम लोग? अब कैसे बताऊं इन्हें, एक तरफ माँ है, दूसरी तरफ सत्य का अस्तित्व है। किसे बचाऊं, माँ को या? क्यों आए हो इतने बरसों बाद मेरे पास, बोलो ना। Hero!
तू मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकती है दुष्टा। तेरे पापी हाथ इस पवित्र पुंज को छू भी नहीं सकते। छूने से रोकता है? आप देखती हो मुझे कौन रोकता है शक्तिपुंज छूने से? ये क्या हो गया है मुझे? माँ के मोह में पड़कर मैं ये भूल रहा हूँ कि मेरा निर्माण सत्य की रक्षा के लिए हुआ है। सत्य से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं, माँ भी नहीं। जीवन चक्र मुझे लेना ही होगा। नहीं नहीं नहीं, क्या करूं मैं, क्या करूं? क्या हुआ बेटा, आज तुम किसी बड़ी दुविधा में लग रहे हो, क्या हुआ? नहीं, छूना मत मुझे, मुझे मत छूना। किसी दुविधा में हो? तुम्हारे चेहरे को देखकर लगता है कि कोई ऐसी बात है जिसके बारे में तुम निर्णय नहीं ले पा रहे हो। कितना सही कह रही है ये, सचमुच निर्णय नहीं ले पा रहा हूं मैं। ये क्या हो गया है आज मुझे, क्या हो गया है शक्तिमान को? क्या माँ के मोह ने मुझे इतना कमजोर बना दिया है कि मैं एक निर्णय भी नहीं ले पा रहा हूं? मगर निर्णय तो मुझे लेना ही होगा, आठवां चक्र तो मुझे प्राप्त करना ही होगा। किस सोच में हो बेटा, अपनी दुविधा मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी दुविधा दूर कर सकूं। दुविधा का अंत तो मुझे करना ही होगा, सत्य की रक्षा के लिए, पृथ्वी पर जीवन को वापस लाने के लिए मुझे अपनी मां का बलिदान तो देना ही होगा, देना ही होगा। मुझे क्षमा करना मां, Woo-hoo!
कर दिखाया, एक बार फिर शक्तिमान ने कर दिखाया। आज फिर किलविश के कुचक्र को विफल कर उसने समस्त पृथ्वी और समस्त मानव जाति को बचा लिया। एक बार फिर अग्नि परीक्षा से तपकर कुंदन बन के निकला है वो, कर दिखाया शक्तिमान ने, एक बार फिर कर दिखाया। माता की सेवा का सौभाग्य तुम्हें शीघ्र ही प्राप्त होगा। परंतु कब, कहां? इतना तो बताइए कि इस समय मेरी माता कहां है। यदि यही बताना होता तो क्या दिव्य मणि तुम्हें नहीं बता देती वत्स? क्या इसका मतलब ये कि आप लोग जानबूझकर मुझे मेरी माता का पता नहीं बता रहे? हाँ वत्स। परंतु क्यों? भूलो मत वत्स कि तुम शक्तिमान हो, कोई साधारण व्यक्ति नहीं। और शक्तिमान को तो बारंबार परीक्षाएं देनी ही पड़ती हैं। निकट भविष्य में तुम्हें अत्यंत कठिन परीक्षा देनी है वत्स। इस परीक्षा में सफल होने के उपरांत ही तुम्हारा मिलन माता से हो पाएगा। परीक्षा परीक्षा परीक्षा, आखिर और कितनी परीक्षाएं देनी होगी मुझे? तुम शक्तिमान बने रहोगे वत्स। परीक्षाएं तो सदैव तुम्हारे सामने आती रहेंगी वत्स। जब तक तुम परीक्षाओं में सफल होते रहोगे तभी तक तुम शक्तिमान बने रह पाओगे वत्स। परीक्षा में उत्तीर्ण न होने की दशा में तुम एक सामान्य जन साधारण बन जाओगे सदा सर्वदा के लिए। इस बात को कभी भूलना नहीं वत्स। और मैं परीक्षा में सफल रहा। परीक्षा? कैसी परीक्षा? जीवन की परीक्षा। जीवन में परीक्षाएं तो आती जाती रहती हैं। आपने भी तो अपने जीवन में कई परीक्षाएं दी हैं। किसी पराए बच्चे के लिए अपने पति को खो देना, फिर उस पराए बच्चे को अपने सगे बच्चे से बढ़कर पालना, और फिर उस बच्चे का आपसे दूर चले जाना, और फिर कई सालों इस कुटिया में अकेले रहना। आपने भी तो कई परीक्षाएं दी हैं। लेकिन तुम कैसे जानते हो ये सब कुछ? तुम लोगों ने तो केवल एक ही बार मेरे बेटे गंगाधर को किलविश के हाथों मरने से बचाया था। फिर मेरे जीवन की सारी कहानी कैसे जानते हो तुम? कैसे जानता हूं ये तो नहीं बताऊंगा, पर इतना जरूर बताना चाहूंगा कि आपका वो बेटा गंगाधर जो आपसे बिछड़ गया था वो आपको मिलने वाला है। मेरा गंगाधर कहाँ है? कहाँ है वो? धैर्य रखिए, मैं आपको उसके पास ले जाऊंगा। अच्छा शक्तिमान, मैं चलता हूँ। रुको द्विज, जल्दी क्या है? हाँ द्विज, अभी तो तुमसे बहुत सारी बात करनी है। नहीं देवी जी, मुझे वापस जाना होगा। सारे जीवन चक्र निकल कर अपने अपने काल में लौट गए, अब मुझे भी अपने काल में लौटना होगा। मुझे भी अपने परिजनों की बहुत याद आ रही है शक्तिमान। हाँ द्विज, अपने परिजनों से अलग रहने का दुख क्या होता है मैं भी जानता हूं। अच्छा तुम जाओ। अच्छा शक्तिमान, चलता हूं। बाय द्विज। ये कौन था और कहां गया? इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। चलिए मैं आपको आपके बेटे के पास ले चलता हूं। सच? सचमुच तुम मुझे मिलवाओगे उससे? अब तो काफी बड़ा हो गया होगा वो। कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, आखिर है तो आपका बेटा गंगाधर ही ना। चलिए चलते हैं। ये हम लोग कहाँ आ गए? ये पंडित
गंगाधर ये 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 मेरे बेटे का घर है। तो चल अंदर, यहाँ तो ताला लगा हुआ है। मैं खोलता हूँ। मेरे बेटे का घर, मेरे बेटे का घर। लेकिन वो कहाँ है? मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ माँ, पर मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि मैं ही तुम्हारा बेटा हूँ। बताओ ना, कहाँ है मेरा गंगाधर? यहीं कहीं गया होगा, आ जाएगा। मैं चलता हूँ, जब तक गंगाधर नहीं आता तब तक गीता आपके साथ रहेगी। अब हाँ, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, तुम भी रुक जाओ ना। क्या बात है? मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी तुमसे मिले। मैं उसे बताऊंगी कि कैसे उसके बचपन में तुमने उसकी जान बचाई थी। तेरी बात जानता है क्या? हाँ, कैसे जानता है वो? अब हमने ही बताया था उसे। मतलब तुम्हारी मुलाकात हो चुकी है गंगाधर से? हाँ, हम साथ साथ एक ही ऑफिस में काम करते थे। कह रही हो तुम लोग दिव्य हो, दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्री, फिर भी तुम ऑफिस में काम करते हो? हाँ, दरअसल मैं एक प्रेस रिपोर्टर थी। उसी प्रेस में आपका बेटा गंगाधर मेरे साथ प्रेस फोटोग्राफर था। हम दोनों साथ मिलकर शक्तिमान की न्यूज लाया करते थे। अब बाद में वो अखबार बंद हो गया, इन लोगों का काम छूट गया। शक्तिमान की कॉमिक्स निकाल रही हूँ। और आपका बेटा आजकल कॉलेज में पढ़ा रहा है। और मजे की बात तो ये है कि आपके बेटे गंगाधर और शक्तिमान के साथ मेरी मुलाकात एक ही दिन हुई थी। तुम लोग क्या कह रहे हो, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। तुम मुझे शुरू से सब कुछ सिलसिलेवार ढंग से बता सकते हो? ठीक है, मैं आपको शुरू से बताती हूँ। 5 साल पहले की बात है, सितंबर का महीना था जब शक्तिमान पहली बार इस शहर में आया था। रुक जाओ, आपने आपको पुलिस के हवाले कर दो। अरे कौन है ये? मेरा सुपर हीरो। ए, कौन है तू? न तो मैं कोई अवतार हूँ, न कोई फरिश्ता, बुराई का दुश्मन हूँ, सच से है मेरा रिश्ता। दुश्मन मेरी बुराई है, बुरे इंसान नहीं। मानोगे बात मेरी तो कोई नुकसान नहीं, और भलाई इसी में है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर। तुम पर तो गोली का असर नहीं हुआ, पर बच्चे की खोपड़ी मेरे हाथ में है, क्या समझा? बचाओ, 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 छोड़ दो मुझे, बचाओ। हाँ।
बेटे गंगाधर से हुई थी। उन दिनों वो नौकरी ढूंढ रहा था। उसने कुछ गुंडों से मेरी जान बचाई थी। क्या? मेरे बेटे गंगाधर ने तुम्हारी जान बचाई थी? हाँ। उन दिनों एक अपराधी विलासराव के खिलाफ सबूत लेकर मैं विधान भवन जा रही थी। इस बात का विलासराव को पता चल गया था। मुझे मारने के लिए उसने अपने गुंडे मेरे पीछे लगा दिए थे। संयोग से आपके बेटे गंगाधर को उसकी साजिश का पता चल गया था। बिंदा को फोन कर, लड़की बचने नहीं आई, जा। अरे चल रहा तू उधर। तो बैग महोदय, कृपया ध्यान दें, आपकी उड़ान का समय हो गया है। क्यों बे? तेरे को पक्का मालूम है कि वो दूसरी रास्ते से नहीं जाएगी, इधर से आएगी। 100% बॉस, इधर से जाएगी। उसको भी सड़क पर रोकना पड़ेगा ना बॉस, कहो तो झाड़ मेरी तोड़ के डाल दूं। बड़े शानी छोपरिया भाई, दूर से देखकर ही भाग जाएगी। वांदा नहीं, अपन चल के आराम से बैठेगा। कुआ खुद कैसे के पास चल चल के आएगा। भीला सेठ जिस लड़की के बारे में फोन किया था वो एक गीता। फिर आपका बेटा गंगाधर वहां आकर मुझे रोकने लगा कि मैं विधान भवन ना जाऊं, वहां मेरी जान को खतरा है। लेकिन अफसोस, उस वक्त मैंने आपके बेटे की बात नहीं मानी। विधान भवन पहुंचकर मुझे पता चला कि जो गंगाधर कह रहा था वो बिल्कुल सही था। माय गॉड, सचमुच बहुत बड़ा खतरा सामने आया था विधान भवन में। वो कहीं नजर नहीं आ रही बॉस। बचनी नहीं चाहिए, बम से सभी के चीजड़े उड़ा दो। हेलो, कोई गोली नहीं चलाएगा क्योंकि निर्दोष लोग मारे जाएंगे। साइकिलें जल्दी भेज, कैसेट सामने ही पड़ी है। आ!
उस दिन मैंने पहली बार शक्तिमान को देखा था और उसके बाद गंगाधर प्रेस फोटोग्राफर बनकर मेरे साथ नौकरी करने लगा। लेकिन अगर तुम्हारी मुलाकात सिर्फ 5 साल पहले गंगाधर और शक्तिमान से हुई है तो फिर बरसों पहले जब गंगाधर छोटा था तब तुमने उसकी जान कैसे बचाई? टाइम ट्रैवल से हम समय यात्रा करके उस समय आपके समय में पहुंचे थे। हाँ, और हमें समय यात्रा पर लाने वाला ध्वज था, याद है ना वो लड़का? हाँ, वो जो योगियों से वेशभूषा में था और अजीब से दरवाजे में घुसकर गायब हो गया था। उस अजीब से दरवाजे को ही समय द्वार कहते हैं, उसी के अंदर जाकर समय यात्रा की जा सकती है। अब तो आप जान गई ना कि आपका बेटा गंगाधर मुझे पहले से ही जानता है। अब मैं चलता हूँ। आइए माँ जी। अंदर माँ मुझे देखकर कितनी खुश होगी और मैं भी अपनी खुशी व्यक्त कर पाऊंगा। परसों जिस माँ से मिलने के लिए मैं तड़प रहा था, शक्तिमान के रूप में तो मैं अपनी खुशी व्यक्त ही नहीं कर पाया था, यह भी नहीं बता पाया था कि मैं उसका बेटा हूं। पर जो अब गंगाधर के रूप में मैं उसे बता पाऊंगा कि मैं ही उसका बेटा हूं और मैं एक बेटे की तरह अपनी माँ के गले भी लग पाऊंगा। लगता है कहीं कोई मुसीबत में है। पहले मुझे जाना होगा। किसका काम हो सकता है ये? ऊपर से कहीं से ये किरणें आ रही हैं। तुम? हाँ, मैं द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल। पाप, तुम्हें यहां बुलाने के लिए ये स्पेशल इंतजाम मैंने किया है शक्तिमान, क्योंकि वैसे बुलाने पर तो तुम आते नहीं। अच्छा हुआ तुमने मुझे बुला लिया। जेल से निकले वैसे भी तुम्हें काफी दिन हो गए हैं। वह जेल की कोठरी तुम्हारा इंतजार कर रही है जैकॉल। इंतजार तो इस पाप मणि को तुम्हारा था शक्तिमान, तुम्हारा। पूरी तैयारी से आया हूं मैं। कमजोर कर देने वाली पाप मणि को लेकर आया है ये। प्रतोला को पृथ्वी से बाहर निकालकर तुमने पृथ्वी को तो बचा लिया, मगर अब तुम खुद को नहीं बचा पाओगे। पाप, इस पाप मणि को देकर तमराज किलविश ने मुझे यहां भेजा है। पाप मणि जिसके सामने तुम अशक्त हो जाते हो, असहाय हो जाते हो, वो पाप मणि। Oh!
दीजिए माँ जी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटी, बैठो। क्या बात है माँ जी? थोड़ा सा पानी पी लीजिए, ठीक हो जाएगा। अब ठीक हो गया? अनिष्ट हुआ है, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। जरूर मेरे बेटे पर कोई संकट आया है। आपको ऐसा क्यों लग रहा है माँ जी? हाँ गीता, मुझे सचमुच ऐसा लग रहा है मेरा बेटा किसी मुसीबत में है, किसी मुसीबत में फंस गया है वो। माँ जी, आप बहुत सालों बाद अपने बिछड़े बेटे से मिलने जा रही हैं और वो अभी तक आया नहीं, इसलिए शायद आपको ये घबराहट हो रही है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, गंगाधर बस आता ही होगा। मेरा विश्वास करो गीता, मुझे यूं ही क्यों लगेगा कि मेरा गंगाधर मुसीबत है। माँ बेटे का रिश्ता ऐसा होता है गीता कि बेटा अगर मुसीबत में हो तो बेशक बेटा कितनी भी दूर क्यों ना हो, माँ को पता चल जाता है। अजीब सी बेचैनी होने लगती है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरा बेटा किसी संकट में है, जरूर किसी संकट में फंस गया है वो। गीता, वो संकट में फंस गया है, गंगाधर जरूर किसी संकट में है गीता। कहीं सचमुच तो ऐसा नहीं हुआ है? शक्तिमान को गए काफी देर हो चुकी है, उसे अब तक गंगाधर बनकर आ जाना चाहिए था। इस बार तू नहीं बच पाएगा शक्तिमान, तू नहीं बच पाएगा। मेरे बेटे की रक्षा करना। पाप, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता है शक्तिमान, कोई नहीं बचा सकता। नहीं सह पा रहा हूँ पाप बड़ी की टक्कर को, नहीं सह पा रहा हूँ मैं। इस बार आधा अधूरा नहीं, पूरा इंतजाम किया है डॉक्टर जैकॉल ने। चल, बरसों का पिछड़ा बेटा आज मिलने वाला है मुझसे, उसे हर संकट से बचाना माँ। हर संकट से बचाना उसे, उसकी रक्षा करना माँ, उसकी रक्षा करना। शक्तिमान ये देख, यही है वो मणि
जिसके सामने तू कई बार आया है और हर बार तू बचकर निकल गया है, लेकिन आज आज तू बचकर नहीं जा सकता। शक्तिमान, तेरे मिटने का पूरा इंतजाम किया है द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट डॉक्टर जैकॉल ने, इसीलिए तेरी चिता पहले से तैयार कर रखी है, पहले से तैयार कर रखी है, और साथ में तैयार है ये खतरनाक इंजेक्शन भी। इस खतरनाक जहर से तेरा बचना बहुत मुश्किल है शक्तिमान। तू तो बेहोश पड़ा हुआ है, तुझे कुछ पता नहीं चलेगा। ये जहर मैं तेरे शरीर के अंदर धीरे धीरे डालूंगा और फिर ये जहर तेरे शरीर को गला देगी और बाकी बचा हुआ शरीर ये चिता जला देगी। आज के बाद दुनिया में तेरा कोई नामो निशान नहीं रहेगा शक्तिमान। अलविदा शक्तिमान, अलविदा। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता शक्तिमान, न कोई दवा न किसी की दुआ। उसको संकट से बचा लो, उसको हर संकट से बचा लो मां। पाप हे मां, अगर दुनिया में सचमुच तुम्हारा अस्तित्व है, तुम दीन दुखियारों के रक्षक हो, तो मेरे बेटे की रक्षा तुम्हें करनी होगी मां, मेरे बेटे की रक्षा तुम्हें करनी होगी, मेरे बेटे की रक्षा तुम्हें करनी होगी मां। माँ जी, मेरे बेटे की रक्षा तुम्हें करनी होगी। माँ जी प्लीज, आप घबराइए मत, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपके बेटे को, चुप हो जाइए। मेरे बेटे पर कृपा करो मां, मेरे बेटे। मेरे बेटे को आपत्ति से बचाना मां। मेरे बेटे की रक्षा कर। मेरे बेटे की रक्षा करो मां, मेरे बेटे की रक्षा करो। मेरे बेटे की रक्षा करो मां। कहां गया ये जैकॉल? ये जलन क्यों हो रही है मुझे? मेरे शरीर में इतनी भयंकर जलन, मुझे सहन नहीं हो रही है। क्यों हो रही है ये जलन? क्यों हो रही है? शक्तिमान, शक्तिमान।
मंदिरा।